वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो सारी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और इजिएस्ट वे में डिफाइन करने वाले हैं। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आखिर है क्या, पहले तो ये देखते हैं। गाइस, दिस वन इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जब एंटीजन से साथ रिएक्शन करती है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसी जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। सिंपल वर्ड से समझ में आ रहा है कि एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ जुड़ना उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। समझ में आ गया, दिस वन इज एंटीबॉडी, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, ये एंटीजन हो गया और यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब गाइस, दिमाग में आ रहा होगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है पढ़ने की, ठीक है, और इसकी जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले ठीक, अब गाइस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, ठीक है। अब जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, इसकी क्या प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम यहां पर देखेंगे। गाइस, जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो रिएक्शन हुई, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल होती है मतलब वापस भी टूट सकता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये वापस टूट सकता है, मतलब रिवर्सिबल है, ठीक है। यूजुअली स्पेसिफिक, अब इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन होती है ये स्पेसिफिक होती है, इसका मतलब क्या है, हर कोई भी एंटीजन, हर कोई भी एंटीबॉडी से बाइंड नहीं हो सकता, स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही बाइंड होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्पेसिफिसिटी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जो एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ते हैं आपस में, तो इनके अंदर डीनेचुरेशन नहीं होता, क्या नहीं होता, नो डीनेचुरेशन, यहां पर डीनेचुरेशन नहीं होता, कि ना तो एंटीजन का डीनेचुरेशन होता है ना ही एंटीबॉडी का डीनेचुरेशन होता है। तो जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों बाइंड करते हैं, उस प्रोसेस के अंदर ना तो एंटीजन डिस्ट्रॉय होता है ना एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, तो डीनेचुरेशन उनका किसी का भी नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, दिख रही है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन एंटीबॉडी, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। अब गाइस, जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होएगा तभी तो आपस में जुड़ेंगे, कुछ इंटरेक्शंस होते हैं तभी तो ये आपस में जुड़ेंगे। तो कौन कौन से इंटरेक्शन है, कौन से फोर्सेज हैं जो इन दोनों को जोड़ के रखते हैं, कौन कौन से फोर्सेज हैं, तो इंटरेक्शंस में आते हैं गाइस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, वैंडरवाल फोर्सेस, ये चार जो फोर्सेज हैं ये एंटीजन और एंटीबॉडी को क्या रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। कौन कौन से इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वैंडरवाल फोर्स, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्लियर। अब गाइस, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम एंटीजन जो एंटीबॉडी जो पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। रोल क्या है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, गाइस, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, जो आपकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट होती है, एंटीजन जैसे ही आता है, फॉरेन एंटीजन आया, उसको देखकर एंटीबॉडी भागी जाती है उसके पास, उससे बाइंड होने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट एक मेजर रोल है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। सेकेंड है गाइस, टिश्यू इंजरी ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, जो कोई भी हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वहां पर आपके जो टिश्यू इंजरी होती है वो भी किसका एग्जांपल है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, ठीक। हमें कोई भी पैथोजन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कोई भी पैथोजन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैथोजन है, उसमें भी क्या काम आता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस उसमें भी रोल अदा करती है, ठीक है। कोई भी एंटीजन को हमें आइडेंटिफाई करना है, अब एंटीजन कैसे आइडेंटिफाई होगा, कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन को हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, तो हम उस एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी लाएंगे। अगर वो एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है इस एंटीजन के, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वही एंटीजन है, ठीक है। तो एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं, अगर वो बाइंड हो रही है उस पर्टिकुलर एंटीजन के, तो हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं इस तरीके से एंटीजन्स का। तो क्या फंक्शंस हैं ये हमें पता होना चाहिए, तो चार मेजर फंक्शंस होते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहला टाइप्स पढ़ेंगे आज की वीडियो मेजर, इस पे डिस्कस करेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पे,
कि प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी उसके अंदर रिएक्ट करती है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, सेकेंड है इम्यूनो डिफ्यूजन। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड हो जाते हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी का, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इम्यूनो डिफ्यूजन है। अब इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या होता है, इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या होता है, इसके अंदर ही प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन किसमें, जेल के अंदर। जेल 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 जानते हो, सेमी सॉलिड। ठीक है, उसके अंदर बनता है। क्लियर। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है ये लगभग सेम होती है, लेकिन डिफरेंस है, एक डिफरेंस है एंटीजन का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सोल्यूबल एंटीजन होता है, जबकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वहां पर पार्टिकुलेट एंटीजन होता है, ये ध्यान में रखना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो एंटीजन है वो सोल्यूबल होएगा, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकुलेट एंटीजन होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन में। ठीक, और भी एग्जाम्पल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के, कॉम्प्लीमेंट जो फिक्सेशन टेस्ट होता है उसके अंदर भी, एलिशिया के अंदर भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंसेप्ट होता है उसके अंदर, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के अंदर भी हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये सारे टाइप्स हो गए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के। क्लियर गाइस, इतना आपको समझ में आना चाहिए। मैंने मेजर पॉइंट बताया कि सोल्यूबल एंटीजन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, एग्लूटेशन रिएक्शन में पार्टिकुलेट एंटीजन, इम्यूनो डिफ्यूजन में प्रेसिपिटेट इन जेल। समझ में आ गया, एक मेजर ओवरव्यू मिलना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर, यहाँ पर बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, कि प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का एक टाइप है, इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, सोल्यूबल एंटीजन होता है हमारे पास। सोल्यूबल, एस मैंने बड़ा लिखा है क्योंकि सोल्यूबल एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सोल्यूबल एंटीजन होता है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। ठीक है, ये सोल्यूबल एंटीजन है, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और डिजायर्ड टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट और डिजायर्ड टेम्परेचर की प्रेजेंस में, और वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट होने के बाद में वो सेटल हो जाएगा नीचे। देखो ये हमारे पास ये एंटीबॉडी थी, हमारे पास ये एंटीबॉडीज भरी है, ये एक वेसल है। ठीक है, दिस वन इज वेसल, ये एंटीबॉडी भरी है, हमने एंटीजन डाला ऊपर से, हमने एंटीजन डाला तो ये प्रेसिपिटेट बन जाए, पर बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा तो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, सेटल हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर गाइस ये सेटल नहीं हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है, अगर ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन, उसे प्रेसिपिटेशन नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन। अगर प्रेसिपिटेट होने की बजाय फ्लोट कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स बना तो क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, और अगर प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे की तरफ तो यहां पर क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या होएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्लियर। अब गाइस जोन फिनोमेना क्या है, इसके अंदर एक जोन फिनोमेना आएगा कि जोन फिनोमेना क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, अब इसको डिफाइन करने के लिए हमने ये वेसल्स ली, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने वेसल्स ली 1 2 3 4 5 6 7, 7 वेसल्स ली इक्वल साइज की, इक्वल है। आपको डायग्राम में थोड़ा अलग मतलब साइज डिफरेंट दिख रही होगी लेकिन इक्वल साइज के हैं ये। ठीक, और इनके अंदर हमने एंटीबॉडीज फिल्ड कर दी इक्वल अमाउंट की, इक्वल अमाउंट एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडी ब्लैक ब्लैक जो है ये क्या है, एंटीबॉडीज है, दिस वन इज ब्लैक इज एंटीबॉडी, जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है आपको एंटीबॉडी है। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी है, हम इनके अंदर एंटीजन डालेंगे, क्या डालेंगे, एंटीजन, एंटीजन डालेंगे सबके अंदर, सबके अंदर हम क्या डालेंगे, एंटीजन डालेंगे इक्वल। ठीक है, एंटीजन डालेंगे, और एंटीजन कैसे डालेंगे, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंटीजन, इंक्रीजिंग अमाउंट मतलब समझ में आया, इंक्रीज अमाउंट क्या होता है, इंक्रीजिंग अमाउंट क्या होता है, अगर हमने इसके अंदर एक एंटीजन डाल रहे हैं पहली वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 एंटीजन, तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5 एंटीजन, इसके अंदर 6 एंटीजन, इसके अंदर 7 एंटीजन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग अमाउंट ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर देखो लिख रहा है एड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंटीजन। ठीक है, हमारे पास वेसल्स थी 7, हमने क्या डाला, एंटीबॉडीज, इक्वल अमाउंट में एंटीबॉडीज इक्वल अमाउंट में रहेंगी, लेकिन एंटीजन हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला तो यहां पर क्या होएगा, यहां पर क्या होएगा, इस वाली वेसल में हम बात करें, फर्स्ट वाली वेसल में यहां पर एंटीबॉडी जो है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी, लेकिन एंटीजन कम होएगा, यहां पर एंटीबॉडी जो है वो और
एंटीबॉडीज ज्यादा होंगे लेकिन एंटीजन पहले वाले से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हमें कंक्लूजन मिलेगा कि जो मिडल वाले तीन जो वेसल्स हैं, तीन जो टेस्ट ट्यूब्स हैं मिडल वाली, उसके अंदर मैक्सिमम प्रेसिपिटेट होंगे। मैक्सिमम प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कब बनता है? प्रेसिपिटेट कब बनेगा? जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों बाइंड हो जाएं, तभी तो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहां पर पहले वाले वेसल में देखिए, यहां पर एंटीबॉडी ज्यादा है लेकिन एंटीजन कम है, तो प्रेसिपिटेट कम बनेगा क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड नहीं हो पा रहे। पूरे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होंगे तभी तो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो जो मिडल थ्री है वहां पर जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो बाइंड ज्यादा होंगे क्योंकि उनकी अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी सफिशियंट अमाउंट में है यहाँ पर मिडल थ्री में, तो यहाँ पर ज्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे, क्या जोन फिनोमिना कंसेप्ट क्या है? अब देखो एक ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम एंटीजन एडेड, ठीक है, एंटीजन हम डालते जा रहे हैं इंक्रीजिंग अमाउंट में, इंक्रीज्ड अमाउंट में, ठीक है। और एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट। अब यहां से एक बात देखें, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि भैया यहां पर एंटी जो लास्ट वाली जो वेसल है, लास्ट वाली जो वेसल है यहां पर क्या हो रहा था? एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है, एंटीबॉडीज उतनी है लेकिन एंटीजन यहां पर बहुत ज्यादा है। एंटीजन ज्यादा है तो एंटीजन यहां पर खाली रह जाएंगे कुछ, क्योंकि एंटीबॉडी फिक्स्ड है, तो एंटीजन ज्यादा है तो एंटीजन कुछ बाइंड नहीं हो पाएंगे एंटीबॉडी के, तो यहां पर भी प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा लास्ट वेसल्स के अंदर। तो मिडल वेसल्स के अंदर ज्यादा प्रेसिपिटेट बनेंगे, समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए ये जो ऑन होता है, ये तो हमने मिडल लाइन ब्लैक वाली जो है ये लाइन्स है, मिडल लाइन्स, ठीक है। इस ब्लैक वाले पहली वाले लाइन के इसको हम बोलते हैं प्रोजोन, क्या बोलते हैं? प्रोजोन। और ये जो बाद वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं पोस्ट जोन, पोस्ट जोन। प्रोजोन में क्या होता है देखो, ये जो है ऊपर पहले वाला ग्राफ यहां पर देखिए, ये जो दो है अगले वाली वन और टू वाली वेसल्स को ये ग्राफ शो कर रहा है। प्रोजोन किसको शो कर रहा है? वन और टू वेसल्स, ठीक है। यहां पर क्या होंगी? एंटीबॉडी ज्यादा होंगी लेकिन एंटीजन कम होंगे। तो देखिए एंटीबॉडी ज्यादा है, एंटीजन दो ही है, एंटीजन कम है, ठीक है। तो यहां पर एंटीबॉडी एक्सिस जोन, उसे क्या बोलते हैं? प्रोजोन, ठीक है। अब मिडल थ्री इक्विलेंस जोन किसको शो कर रहा है? मिडल थ्री वेसल्स, मिडल थ्री वेसल्स। मिडल थ्री वेसल्स में क्या है? जो मिडल थ्री वेसल्स है ना, ये वाली मिडल थ्री, ठीक है, मिडल थ्री, उसको क्या कौन सा जोन शो करेगा? इक्विलेंस जोन। यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बराबर अमाउंट में है, एंटीजन एंटीबॉडी बराबर अमाउंट में है, तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे, कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे तो प्रेसिपिटेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट ज्यादा होगा तो यहां पर ये जो ग्राफ है ये कैसे जा रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पर मैक्सिमम हुआ इक्विलेंस जोन में, और फिर वापस जब एंटीजन ज्यादा डालते जाते हैं तो वहां पर एंटीजन ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा लेकिन एंटीबॉडी कम अमाउंट में हो जाएंगी। तो यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हो, यहां पर क्या है? एंटीजन ज्यादा है मैक्सिमम और एंटीबॉडी कम अमाउंट में है, तो यहां पर एंटीजन यहां पर मैक्सिमम एंटीबॉडी से बाइंड नहीं हो पाएंगी, तो वापस ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे वापस नीचे जा रहा है, ठीक। वाई एक्सिस पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का ग्राफ है, प्रेसिपिटेट का, ठीक है। तो समझ में आ गया ग्राफ ऊपर कैसे जा रहा है, नीचे कैसे जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटिस हाइपोथेसिस क्या होता है। लैटिस हाइपोथेसिस मैंने पूरा बता दिया लेकिन बस वर्बली बोलना है कि जोन ऑफ इक्विलेंस जो हमने देखा, जोन ऑफ इक्विलेंस है यहाँ पे, इससे हम बोलते हैं जोन ऑफ इक्विलेंस जो है वो लैटिस फॉर्मेशन को दर्शाता है, ठीक है। एंटीबॉडी एक्सिस जोन जो प्रो जोन है, ये एंटीबॉडी एक्सिस जोन है, ठीक है, प्रो जोन, एंटीबॉडी एक्सिस जोन, यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रो जोन, ये वीडीआरएल में, ठीक है। एंटीजन एक्सिस जोन जो थर्ड वाला जोन है पोस्ट जोन, वहां पर एंटीजन ज्यादा होंगे तो एंटीजन एक्सिस जोन, पोस्ट जोन, ठीक है। नाम है सिर्फ लैटिस हाइपोथेसिस में, ठीक है। मैंने पूरा डायग्राम ये यहाँ पर पूरा कंसेप्ट इससे आता है और इस वाले वेसल्स के डायग्राम से पूरा कंसेप्ट समझ में आता है कि जोन फिनोमेना क्या होता है, लैटिस हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स, ठीक है। रिंग प्रेसिपिटेशन, ये सिर्फ याद करने आपको, जो रिंग प्रेसिपिटेशन है उसका एग्जाम्पल है लेंस फिल जीरो ग्रुपिंग, ठीक है। स्लाइड प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है वीडीआरएल। ट्यूब प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है कान्हास टेस्ट। एंड इम्यूनो डिफ्यूजन का प्रेसिपिटेशन इन जेल, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के, क्लियर।
तो आपने पूरा क्लियर हुआ, पूरा जो वीडियो है बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, फिर भी समझ नहीं आए, कोई क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए फुल्ली हैंड रिटन अच्छी सुथरी राइटिंग में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग सैनी MBBS को ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।